जीजी जे एक बात कहें, हमें इतनी अच्छी बहू मिली है, देख रही हो अपनी ससुराल में कितना परेशान रही, लेकिन यहाँ आरुषि के लिए अपने भाई से वादा मांग रही है। हम बिरलास बड़े लकी हैं जो हमको ऐसी बहू मिली, न जन्ना लगे हमारे गुड्डन को। गुड्डन अपना बहू होने का धर्म निभा चुकी है माँ, अब बारी आपकी है। सब कुछ सही हो रहा है माँ, घर का माहौल, रिश्ते, सब कुछ। कुछ बचा है ना तो सिर्फ आपका कन्फेशन। मेरी बातों को हल्के में मत लीजिए माँ, आज शाम को सगाई के बाद ना आपको सबके सामने अपने गुनाह कबूल करने होंगे। तभी आपके रिश्ते बाकियों के साथ अच्छे हो पाएंगे मां, और मैं आपसे वादा करता हूं जैसे आपकी सजा पूरी होगी ना, मैं प्यार से और पूरे सम्मान से आपको इस घर में वापस लेकर आऊंगा। सर उठाकर गर्व से आपको मां बुलाऊंगा। मैं आती हूं। रस्ते को छोटी के लिए खड़ा होते देख बहुत अच्छा लग रहा है, उसने हमारी हर शर्त मानी है, धीरे धीरे ही सही पर वो सुधर रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि सब ठीक हो रहा है समधन जी, तुम्हारी जीत होने वाली है, मगर सच तो ये है कि ऐसा सिर्फ तुम्हें लग रहा है। जीत हमारी है और हमारी ही होगी। पुष्पा बिरला है हम, और हमें हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। जितना खुश होना है हो जाओ, इस उम्मीद में कि शाम को हम सब कबूल कर लेंगे, लेकिन जो शाम को होने वाला है उसका तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम कुछ नहीं कर पाओगी समधन जी, कुछ नहीं। एक नंबर, एकदम चमक रहे हो। अब बस सब कुछ अच्छे से हो जाए फिर तो ऐश ही ऐश है। मनी, जब तक मां अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेती और छोटी को इंसाफ नहीं मिल जाता ना, और जब तक सासू मां मुझे और छोटी को एक साथ रहने की परमिशन नहीं देती ना, कुछ ठीक नहीं होने वाला। घबराहट हो रही है भाभी, जिस तरह से घर के हालात हैं कभी सोचा भी नहीं था ये दिन भी आएगा। आई जस्ट होप बस अब सब सही से हो जाए। ऑफ कोर्स आरुषि, और देखो मैं और अगस्त्य है ना तुम्हारे साथ, और हमेशा रहेंगे।
तो पक्का सब सही होगा। और पता है, वाह आज प्यारी लग रही हो। पुष्पा बिरला हार नहीं सकती। लोग हमारे सामने झुकते हैं और आगे भी वैसा ही होगा। पुष्पा रानी पर भरोसा तो नहीं हो रहा है, इतनी आसानी से कैसे मान सकती है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कभी तो अच्छा सोचिए मम्मा। क्यों हो रही है मम्मा? क्योंकि तेरी सास सास नहीं है छोटी, मुसीबत है मुसीबत। उसकी बात आए तो चौकन्ना रहना ही पड़ता है। मम्मा आज का दिन मम्मी जी का नहीं है, बल्कि आरव भैया और आरुषि का है। और देखिए ना, मम्मी जी तो उनकी खुशी के लिए मान भी गई हैं, और तो और अपना गुनाह भी कबूल करने वाली हैं वो। और क्या ही चाहिए? पुष्पा बिरला नाम है तेरी सास का छोटी, वो इतनी आसानी से किसी के सामने सर नहीं झुकाएगी, इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानेगी। अपनी जीत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, और वो बदल गई है ये हमारा मन इतनी आसानी से नहीं मानेगा। बस कीजिए मम्मा, अब देखिए ना घर में कितने समय के बाद ऐसा खुशी वाला माहौल आया है, और आप है कि अभी भी टेंशन लिए बैठी हैं। मम्मा आप जानती हैं ना कि ये सब है ना आरुषि और आरव भैया की खुशी को बर्बाद कर सकता है। प्लीज छोड़ दीजिए ना ये सब, और आप है ना मुझसे प्रॉमिस कीजिए आज शाम को आप कोई तमाशा नहीं करेंगे। अपनी छोटी के लिए तो मानेंगी ना इतना, प्लीज मम्मा। हाँ बहुत भोली है तू छोटी, अपनी सास की सच्चाई नहीं जान पा रही। देख कितनी प्यारी लग रही है, और आज ये आरु ने जो रूप बना रखा ना शर्माने का, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। क्यों आरु है? बड़ी शर्मा रही है। अरे मम्मी शर्माएगी क्यों नहीं, आज तक ऐसे प्यार में भी तो नहीं पड़ी हमारी आरु। अरे हाँ जो तुम भूल ही गए थे, सही कह रहा मनिया। पता है आरुषि, तेरी चाची भी ऐसे ही शर्माई थी हमारी शादी के टाइम। क्यों भूल गई? अरे छोड़ो बिना, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। हम क्या कह रहे थे भैया, जल्दी जल्दी अपनी अंगूठियां एक्सचेंज कर लो, पता चल रहा है किसी का दिमाग बदल गया तो कांड हो जाएगा यहाँ पे अलग से। Thank you.
चल तू भी रिंग पहना है? अब जल्दी से उठकर बड़ों के आशीर्वाद भी ले लो। चलो उठो। हाँ जी। खुश। ख्याल रखना इनकार। अगर कुछ भी किया ना तो तुम्हारी बड़ी माँ से बड़ी वाली डांट पड़ेगी। जी बड़ी माँ। खुशरो चीजू छोटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप दोनों को कैसे थैंक यू करूं। आज मैं और आरुषि अगर साथ में तो वो सिर्फ आप दोनों की वजह से। जीजू तो अब तुम भी मेरे हो, साले तो थे ही, दो दो रिश्ते निभाने पड़ेंगे अब। बस मेरी आरु का ख्याल रखना। और मैं और अगस्त्य हर कदम पे अब दोनों के साथ हैं। आरुषि, माँ का आशीर्वाद लेना जरूरी है, बट वो तभी होगा जब वो अपना किया हुआ वादा निभाएंगी। उसके बाद खुशी से आशीर्वाद दीजिएगा माँ, ठीक है? जानते थे ये वक्त जरूर आएगा। हम तैयार हैं चीकू। अपने बेटे से किया वादा निभाएंगे हम। लेकिन उससे पहले थोड़ा मुंह मीठा कर ले। खीर ले आओ। सारे गुनाह कबूल करने से पहले एक आखिरी बार हम अपने बेटे और बहू को अपने हाथ से ये खीर खिलाना चाहते हैं। नहीं फिर ये मौका मिले या ना मिले,
तो इससे पहले कि हम पुलिस के पास जाएं और हमारी हीरे जैसी गुड्डन बहू के साथ किए हुए अत्याचार की सजा मांगे, हमारी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। बिल्कुल मम्मी जी, जैसा आप चाहती हैं ना बिल्कुल वैसा ही होगा। है ना अगस्त, खिला दीजिए। लॉर्ड कृष्णा, हमारा शक सही निकला। इस पुष्पा रानी ने जरूर खीर में कुछ मिला रखा है। हमें रोकना होगा इन्हें। आप है ना मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आज शाम को आप कोई तमाशा नहीं करेंगे। अपनी छोटी के लिए तो मानेंगे ना इतना। माफ करते छोटी, पर तुम्हारी सास पर भरोसा नहीं कर सकते हम। जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है समधन जी। इस खीर में ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे प्यार के। मानते हैं आपका हम पर भरोसा रख पाना मुश्किल है, इसलिए हमने हमारी सजा खुद तय कर ली। अपनी बहू गुड्डन के साथ बुरा करने की सजा में हमने खुद को उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का इंतजाम कर लिया है। क्या हुआ मम्मी जी को? आंखें खोलिए, क्या हुआ? माँ, माँ, जीजी को क्या हो गया? मनी पानी लेके आ। हाँ, चल मनी पानी ला। मम्मी जी उठिए, मम्मी जी। माँ, माँ आंखें खोलिए। तो कुछ नहीं होगा आपको, उठिए प्लीज। ये क्या हो गया जीजी को? हे भगवान, क्या हुआ मम्मी जी को? अगस्त है, मैं बताती हूँ। माँ ने पॉइजन पिया है अगस्त है।